हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया किचन टीवी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कप जितना जो है गेहूं का आटा लिया हुआ है। आज यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। चलिए, मैं यहाँ पे इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो गेहूँ के आटे की जगह आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद एक टेबल स्पून जितना जो है मैंने यहाँ पे चीनी लिया हुआ, इसे भी ऐड कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा भी लिया हुआ है एक छोटी चम्मच जितना, और यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटी चम्मच जितना जो है बेकिंग पाउडर। चले, दोनों को इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से पहले ड्राई मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इसे अच्छे से ड्राई मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कटोरी जितना जो है दही लिया हुआ है। आज हम यहाँ पे ब्रस्ट पिज्ज़ा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल डोमिनोज जैसा ही। देखिए, दही डालकर अच्छे से इसे डो बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे डो अच्छा सा बनके रेडी हो चुका है। मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख लेती हूँ ताकि अच्छा सा सेट हो सके। चलिए, इसे साइड में रख लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा हुआ है ताकि यहाँ पे पिज्ज़ा कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखा हुआ है। इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं। देखिए, नमक ऐड करने के बाद इसमें एक स्टैंड रख लेते हैं, और स्टैंड रखने के बाद इसे थोड़ा सा सेकने देते हैं, गर्म होने देते हैं फ्री हीटर। देखिए, इसे स्टैंड रखकर इसे ढककर फ्री हीट होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर रखकर। देखिए, हमारा इस साइड में रख लेते हैं और हमारा जो डो है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है, देख सकते हैं। चलिए, इसे थोड़ा सा हाथ को तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट बनाना है ज़्यादा। देखिए, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट जैसा आटा हमारा जो है बनके रेडी हो चुका है। चलिए, अब इसके हम छोटे छोटे डो ही लेते हैं, जितने आप पिज्ज़ा बनाते हैं बिल्कुल उतना ही। देखिए, फिर से थोड़ा सा हाथ को तेल लगा लीजिए और इसमें हम दो हिस्से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। देखिए, इसे भी दो हिस्से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल डोमिनेंट जैसा है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डो ले लेती हूँ और एक बड़ा सा। पहले हम छोटा जो है उसे बेल लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेती हूँ और इसे अच्छे से हाथ से पहला प्रेस कीजिए और उसके बाद बेलन से अच्छे से बेल लीजिए। आप जितना बड़ा या छोटा आपकी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मीडियम जैसा पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। देखिए, इसे पहले अच्छे से बेलन से बेल लीजिए। ना ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ज़्यादा पतला बेलना है, बिल्कुल इतना ही। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया हुआ है, देख सकते हैं, इसी साइज़ का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसे हम सेड में रख लेते हैं और इस तब तक जो ये रोटी हमने बेला हुआ है इसे सेक लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैन गर्म होने के रखा है, रोटी चिपके ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे पोंछ लेती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे सारा आटा पोंछने के बाद हमने इसके ऊपर रोटी लगाना थी। देखिए, इसके ऊपर हम ना घी लगाना है, ना बटर लगाना है, ना तेल लगाना है, ऐसे ही सेक लेना है। देखिए, एकदम लो फ्लेम पर इसको सेकना है, दोनों तरफ अच्छे से सेक लीजिए इसे। देखिए, ये भी अच्छे सा तरीके से सेक लीजिए, एकदम पलट पलट के। इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही सेकना है, एकदम लो फ्लेम पे रख कर ही। देखिए, यहाँ पे इसे अच्छे से सेक लिया हुआ, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से अंदर तक भी अच्छे से सेका हुआ। इसे साइड में रख लेते हैं और जो हमने बड़ा डो बना कर रखा था उसे भी हम बना लेते हैं। देखिए, इसे थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा सा बड़ा बनाना है। देखिए, पहला से सूखा आटा लगा लीजिए और हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए, थोड़ा सा प्रेस करने के बाद हमें इसे बेलन से बेलना होगा, जैसे पहला बेला था बिल्कुल वैसा है, मगर इसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में बनाना है। देखिए, मैंने यहाँ पे बना लिया हुआ है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा छेद कर लेते हैं फोर्क से, ताकि ये फूले ना। देखिए, अगर आपका ये पिज़्ज़ा फूलेगा तो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर छेद बना लेती हूँ इसके सारे फोर्क से। चलिए, अब इसमें हम इस प्लेट में रख लेते हैं। इसे थोड़ा सा हम तेल लगा लेते हैं इस प्लेट को। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ऐसा प्लेट वगैरह आपके घर में जो भी ढक्कन वगैरह है। तो देखिए, अच्छा सा तेल लगाकर इसे हम साइड में रख लेते हैं। साइड में रखने के बाद जो हमने ये से रोटी है उस प्लेट में रखना है हमें। देखिए, कैसे रखना है, अच्छे से इसे फोल्ड कर लीजिए पहले, और उठाने में आसानी होगा इसीलिए। देखिए, अच्छे से इसके ऊपर लगा लीजिए इसे चारों ओर से। और उसके बाद हम इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर ये वाला मोजरेला चीज़ लिया हुआ है। आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी ब्रांड का, आपको जो पसंद है वो। फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छेद बना लेती हूँ इसे फिर से, देखिए, ताकि अच्छा सा हमारा सेट हो सके। इसमें हम थोड़ा सा अंदर चीज़ ऐड करेंगे। देखिए, अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ऐड कर लेती हूँ, ताकि मैं यहाँ पर चीज़ी ब्रश पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। और उसके बाद जो हमने एक रोटी को सेक लिया था इसके ऊपर रख लेते हैं और चारों ओर से अच्छे से इसे कवर कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही कवर कर लीजिए चारों ओर से, और इसके ऊपर भी हम छेद करेंगे ताकि ये पिज़्ज़ा जो है फूले ना सेकते समय। देखिए, फोर से अच्छे से छेद कर लीजिए इसे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है सेजवान चटनी लिया हुआ है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर टमाटर सॉस लिया हुआ है, दोनों को अच्छे से फैला लेती हूँ चारों ओर से।
और इसके ऊपर फिर से हम चीज़ ऐड कर लेते हैं। देखिए अंदर भी चीज़ और ऊपर से भी चीज़ कितना टेस्टी लगता है ना, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। देखिए चीज़ आप जितना चाहते हो उतना आप ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इतना चीज़ ऐड किया हुआ है देख सकते हैं। देखिए चलिए अब इसमें हम वेजिटेबल भी ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, टमाटर और प्याज लिया हुआ है, आपके मनपसंद के वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के मनपसंद के। देखिए क्या करके अच्छे से रख लेते हैं, देखिए कितना टेस्टी और मज़ेदार बना हुआ है। फिर से थोड़ा सा ऊपर से हम चीज़ ऐड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे चीज़ी पिज्ज़ा बनाने जा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है डबल चीज़ी पिज्ज़ा। ताकि अच्छे से इसे क्रश कर लीजिए। चलिए अब हमारा जो पिज़्ज़ा है बन के रेडी हो चुका है, इसे सेकने के लिए रख लेते हैं। देखिए इस साइड में जो है आटा जो बचा हुआ है इसके ऊपर आप चाहे तो बटर या घी लगा सकते हैं ताकि अच्छे से सेक सके, ताकि जो हमारा नीचे का आटा है वो सेका हुआ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। देखिए अच्छे से तेल लगा लीजिए चारों ओर से। चले अब इसे हम रख लेते हैं सेकने के लिए। देखिए हमारा जो कढ़ाई वो भी फ्रीट हो चुका है देख सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर रख कर इसे अच्छे से सेकने देते हैं। मैंने यहाँ पे 30 से 40 मिनट तक अच्छे से सेकने दिया हुआ है, एकदम मीडियम फ्लेम पे रखकर आराम से सेकना होगा। देखिए अच्छा सा चीज़ भी मेल्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं अंदर से, देखिए इतना टेस्टी लग रहा है ना। चलिए हमारा जो पिज़्ज़ा है बन के रेडी हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हमारा जो नीचे का जो आटे का डो है वो भी अच्छा सा सेट हो चुका है, देख सकते हैं पक चुका हुआ है हमारा पिज़्ज़ा। चलिए अभी इसे निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद प्लेट में निकाल लीजिए। वाह कितना टेस्टी और मज़ेदार हमारा जो पिज़्ज़ा है बनके रेडी हो चुका है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए कितना टेस्टी और यम्मी पिज़्ज़ा हमारा जो है बनके रेडी हो चुका है। अगर कोई रेसिपी चाहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। वाह कितना टेस्टी बना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।